इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के ग्रिप में क्या प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी उन्होंने इतने रन कैसे बनाए, इतने सक्सेसफुल कैसे रहे, और आपके ग्रिप के साथ आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। मैं हूँ स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, वेर यू गेट इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर की ग्रिप कैसी है। नाउ आई रिसेंटली हैड द चांस टू पिक अप इन माय हैंड सचिन तेंदुलकर की खुद की एडिडास बैट। मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है विच यू कैन वॉच नेक्स्ट। बट जरा बैट देखिए, जरा प्रोफाइल देखिए, जरा मिडिल कहाँ पे है देखिए। हाथ में भी उठा के पता चला कि दिस इज अ हैवी बैट। एक हैवी बैट, स्पेशली बॉटम हैवी बैट जब होती है तब नेचुरली ग्रिप ऐसे हो जाता है कि आप बॉटम के पास, आप यहाँ पे बैट के शोल्डर के पास पकड़ते हो, विच बिकम्स अ बॉटम हैंडेड ग्रिप। क्योंकि वेट को कंट्रोल करने के लिए आप वेट के नज़दीक आना चाहते हो तो बॉटम हैंडेड आपकी ग्रिप बन जाती है। एंड सचिन तेंदुलकर हैड अ बॉटम हैंडेड ग्रिप। अब बॉटम हैंडेड ग्रिप होने से क्या होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो टॉप हैंड है, टॉप हैंड ये वर्टिकल मूवमेंट्स कंट्रोल करता है और जो बॉटम हैंड है हम यूज़ करते हैं ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के लिए। सो जब सचिन तेंदुलकर एक बॉटम हैंडेड ग्रिप यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये शॉट्स खेलते समय बॉटम हैंड आ जाता है। तो कभी अगर आप भी बॉटम हैंडेड प्लेयर हो आपको पता चलेगा कि आप काफ़ी बार आउट हो रहे हो, कैच आउट हो रहे हो, क्योंकि बॉल बाउंस होके ऊपर हवा में जा रहा है बॉटम हैंड आने की वजह से। विच इज़ वाई आई से डोंट होल्ड द बैट लाइक सचिन तेंदुलकर। विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर एंड वी विल टॉक अबाउट वाई ही सक्सीडेड नेक्स्ट। क्या आपकी ग्रिप बॉटम हैंडेड है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप बॉटम हैंड यूज करते हो या टॉप हैंड ज्यादा। सो इस ग्रिप के साथ भी सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल रहे फॉर थ्री मेन reasons. फर्स्ट रीजन कि सचिन तेंदुलकर ambidextrous है। ambidextrous मतलब वो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों यूज करते हैं। आपने आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर writes with his left hand, eats with his left hand, so he's actually left-handed, और वो left-handed होने के वजह से उनका bottom-handedness थोड़ा सा compensate होता था टॉप हैंड के वजह से। बिकॉज ही इज लेफ्ट हैंडेड, उनका टॉप हैंड लेफ्ट हैंडेड है तो उनका जो बॉटम हैंड का इफेक्ट है वो उनके स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट टॉप हैंड के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्पनसेट होता था। अब डिस्पाइट दिस कभी कभी सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे कवर ड्राइव खेलते समय प्रॉब्लम होता था सचिन तेंदुलकर को। आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर दैट वन इनिंग्स सिडनी में जहाँ पे उन्होंने 200 से ज़्यादा स्कोर किया विदाउट प्लेइंग अ कवर ड्राइव बिकॉज ही रियलाइज ही वॉज गेटिंग आउट ऑन द कवर ड्राइव। तो जो बॉटम हैंडेड प्लेयर्स होते हैं उनका कभी कभी ये चीज़ होता है। इवन समवन लाइक सचिन तेंदुलकर हैड टू पुट हिज कवर ड्राइव अवे एंड यूज अदर वेज टू स्कोर ताकि वो चीज़ वो ओवरकम कर सके। एंड द नेक्स्ट रीजन ही वॉज सो सक्सेसफुल इज बिकॉज ही हैड अ कोच लाइक रमाकांत आचरेकर, जो बचपन से उनको एडवाइस दे रहे थे, जो बचपन से उनको टेक्निक पे ध्यान दे रहे थे, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम्स केम बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल ग्रिप ही निगोशिएटेड दैट, कोच ने अच्छे से बताया, एंड सचिन तेंदुलकर इज अ स्टूडेंट हु पिक दैट अप वेरी क्विकली। इसलिए गाइडेंस अच्छा मिलने की वजह से उनकी स्पेशल टेक्निक डिड नॉट बिकम अ प्रॉब्लम। सो अगर आप भी बॉटम हैंडेड ज़्यादा खेलते हो तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड चेंज योर ग्रिप। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ कि आप आपके कोच के साथ वर्क करो ताकि योर नेचुरल ग्रिप डज नॉट इंटरफियर विथ योर गेम। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी एक अच्छा कोच ढूंढ रहे हो और आपके गेम के लिए या आपके बच्चे के गेम के लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो डाउनलोड माय फ्री गाइड ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर बैटिंग। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट टेक्निकल, फिजिकल एंड लाइफस्टाइल टिप्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो देख के मजा आया तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाना, व्हाट्सएप पे आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।